हेलो स्टूडेंट्स बच्चों, आज आपको चैप्टर 11 में एक्सरसाइज 11.3 करनी है। सो टेक योर पेंसिल एंड नोटबुक। ओके, आज आपको ड्रा करनी है हैंड्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बुक में कुछ क्लॉक्स दी गई हैं जिसमें दोनों हैंड्स मिसिंग हैं। तो अब आप करने क्या है, दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड दोनों ही हैंड्स को आपको ड्रा करना है। जैसे 8 o'clock, 8 o'clock मीन्स मिनट हैंड एट 12 एंड आवर हैंड एट 8 पर। ओके, इसी प्रकार से हाफ पास्ट 7 यानी 7:30, 8 मीन्स 7 एंड 8 के बीच में आवर हैंड एंड 6 पर कौन सी होगी, मिनट हैंड। हाफ पास्ट टू में भी बच्चों 2:30 टाइम है दिया गया। तो अब आपको करना है 2 and 3 के बीच में आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 30। क्वार्टर पास्ट टू यानी 2:15 मिनट हैंड एट 3 एंड आर हैंड एट 2। ओके, तो अब आपको इसमें केवल हैंड ड्रॉ करने थे बच्चों। आप लोग आसानी से हैंड ड्रॉ करेंगे दोनों मिनट एंड आवर्स एंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में राइट द पोजीशन ऑफ द हैंड एंड टाइम फॉर द गिवन क्लॉक। यहाँ पर आपको पोजीशन बतानी है कि हैंड किस पर है, ठीक है, और टाइम भी दिया गया है, उस टाइम को भी आप लिखना है। जैसे द आवर हैंड is between 7 and 8, the minute hand at 9, the time is 7:45 or 7:45. ठीक है, तो अब आपको ये बताना है, जैसे यहाँ पर दिया है राइट द पोजिशन ऑफ द हैंड्स, हैंड की पोजिशन क्या है एंड टाइम फॉर द गिवन क्लॉक, और जो है टाइम क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे 8:45 है कि 7:45 है, द टाइम इज 7:45, या फिर हम इसको कहते हैं 7:45। इसी प्रकार से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, आपको इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी करना है। जैसे अब यहाँ पर दिया है आवर्स हैंड बिटवीन 8 and 9, कहाँ पर दी है बच्चों, 8 and 9 के बीच में आवर हैंड है एंड द मिनट हैंड एट 6। ओके, तो अब टाइम इज क्या हो जाएगा बच्चों, 8:30 लिख लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है द आवर हैंड इज बिटवीन 8 and 9। ओके, फिर सेकेंड लाइन में आप लिखिए द मिनट हैंड इज एट 6, द टाइम इज 8:30, या और लिखेंगे हाफ पास्ट 8। ओके, अच्छा, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th की भी इसी प्रकार से आपको पोजीशन लिखते जाना है। जैसे यहाँ पर आपको लिखेंगे द आवर हैंड इज एट 2 एंड मिनट है इज एट 3, द टाइम इज 2:15 और 2:15। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिखना है इसी प्रकार से बच्चों। द आवर हैंड एट 6, द मिनट हैंड एट 15, द टाइम इज 6:15 और 6:15। ओके, तो बस आप लोग जल्द से जल्द अपनी पेन पेंसिल निकालिए और जल्दी से डेट मेंशन कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको ये वर्क अपनी बुक में ही करना है। ओके, इस प्रकार से आपको टाइम रीड करना भी आ जाएगा और किस प्रकार से क्लॉक को ड्रॉ करते हैं, क्लॉक में कौन कौन सी हैंड्स होती हैं, ये सब आप, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोगों को करना क्या है बच्चों, जैसे मैंने कल आपको दिया था डेज
को आवर्स में कन्वर्ट करना, 1 days इज इक्वल टू 24 hours, तो 2 days इज इक्वल टू 2 into 24 hours। इसी प्रकार से हमने दिया था 7 days इज इक्वल टू 7 into 24 hours। तो अब आज हम आपको देंगे आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना। क्या लर्न करना है? 1 hours इज इक्वल टू 60 मिनट। क्या लर्न करना है बच्चों आपको? 1 hours इज इक्वल टू 60 मिनट, 2 hours इज इक्वल टू 2 into 60 मिनट, 3 hours इज इक्वल टू 3 into 60 मिनट। ओके बच्चों, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग जल्द से जल्दी वर्क कंप्लीट कीजिए और हमें यहाँ पर सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बिना मतलब टाइम पास कर दिया तुमने, कुछ नहीं होता। शालू, ए शालू, शालू यहाँ एक सेकंड आ जाओ, एक सेकंड देख लो मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो गई। ये यहाँ नहीं ला सकते, वहाँ चार्जिंग पे नहीं है। पता नहीं हमने क्या किया है, वो जो होता है ये चीज़ नहीं निकल रहा है, ये हो ही नहीं रहा और बस वीडियो बनना शुरू हो जाता है। देखो अभी हमने एक वीडियो बनाया था, ये देखो टाइम चल